भट्टुकला उप तहसील प्रांगण में नंबरदार एसोसिएशन की बैठक आयोजित लोकसभा व विधानसभा कमेटी सदस्य बनाए उप तहसील कार्यालय प्रांगण भट्टुकला में शुक्रवार को नंबरदार एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया इस बैठक की अध्यक्षता उप तहसील प्रधान मनोहर लाल ने की बैठक में जिला प्रधान सरदार जगीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नंबरदारों की जायज मांगों को हल करने की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है इसलिए नंबरदारों को संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के लिए सिरसा लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र में कमेटियां बनाकर संघर्ष को तेज किया जाएगा इसको लेकर भट्टुकला उप तहसील से सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए संदीप दैयड़ को सदस्य बनाया गया है वहीं विधानसभा फतेहवाद के लिए नंबरदार अनिल साई व नंबरदार भरतलाल पिलिमदोरी को सदस्य बनाया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 23 नवंबर को एक पत्र जारी कर 60 वर्ष से अधिक उम्र के नंबरदारों को मेडिकल फिटनेस देना जरूरी कर दिया सरबरा नंबरदारों को हटाया गया नए नंबरदार की भर्ती पर रोक लगा दी गई सरकार के इस पत्र के विरोध में नंबरदार लगातार संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने कहा कि सरकार जब तक इस पत्थर को वापस नहीं लेगी तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा उनकी मांग है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के नंबरदारों के मेडिकल फिटनेस की शर्त को हटाया जाए नए नंबरदारों की भर्ती से रोक हटाई जाए और तुरंत खाली पड़े पदों पर नई भर्ती की जाए नंबरदारों को मानदेय बढ़ोतरी नंबरदार की मृत्यु उपरांत पुत्र को नंबरदारी में प्राथमिकता देने सहित कई मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं इस अवसर पर रणजीत सिंह दलीप सिंह मोहर सिंह भरतलाल, सुभाष चंद्र धर्मपाल राय सिंह अनिल कुमार रघुवीर सिंह ओम प्रकाश उर्फ मुंशी गुरप्यार सिंह रतिया हरदत्त सिंह साधु राम श्रवण कुमार विनोद कुमार फर्शराम सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे कला श्री कृष्ण गौशाला एवं श्री कृष्ण प्रणामी शिव नंदीशाला में, में कथा पच्चीस दिसंबर से भट्टुकला की श्री कृष्ण गौशाला एवं श्री कृष्णपणाम शिव नंदीशाला में 25 दिसंबर से गोकथा का आयोजन किया जाएगा शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए प्रधान बर्मनंद गोयल ने बताया कि गौशाला में 25 से 31 दिसंबर तक गोकथा का आयोजन किया जाएगा जिसमें आचार्य सत्यदेवानंद महाराज प्रवचन करेंगे उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में शुभारंभ पर पच्चीस दिसंबर को अनाजमंड स्थित हनुमान मंदिर से विशाल कलश यात्रा के साथ गो यात्रा निकाली जाएगी वहीं कथा के समापन पर एक जनवरी को यज्ञ का कर यहां भंडारा भंडारा भी आयोजित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस कथा को लेकर गो भक्तों में भारी उत्साह है कथा स्थल पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं